हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। इसी आशा के साथ करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। आज सुबह सुबह से लगे हुए थे हम तैयारी में खाना बनाने की, तो खाना पीना सब तैयार कर लिया है और एक पूजा की थाली जो है लगा ली है हमने। आपको दिखाते हैं आज हमारे घर पे क्या क्या चीजें बनती है। हमारे यहाँ पे मावस है ना, कल नहीं पूछती है, दिवाली वाले दिन एक दिन बाद पूछती है, क्योंकि पीछे रह गए थे हम लोग, भूल गए थे मावस पूजना हमारे पूर्वज। तो उसी समय से यही चला आ रहा है कि हाँ बस है ना, बाद में ही पूजी जाएगी। और खाना पीना सब तैयार कर लिया है और अब चल दी है, साफ सफाई भी सारी हो गई, झाड़ू पोछा भी हो गए। वाणी बाहर चली गई है, ये कन्नू वाणी को ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आया है और मेहमान का इंतजार कर रहे हैं। मेहमान आ रहे हैं बाहर से, जैसे बादरा बादरा रहे जा रहे हैं ना, इनके कुनबे वाले सारे के सारे, कुछ जा रहे हैं, कुछ यहाँ पे है, कुछ कहीं और जा रहे हैं। तो सबके सब आज के दिन इकट्ठा हो जाते हैं और पूजा करते हैं साथ मिलकर के। तो खीर बनाई है और घी बूरा, रायता बनाया है और दाल बनाई है, चावल बनाए हैं और ये है अपन, चावलों का अपन पीसा है, दूध ले लिया है, घी बत्ती ले लिया, सारा सामान ले लिया जितना भी है, और दो गढ़ लेकर के चल दिए हैं आगे आगे। तो बस अभी सारा सामान जो है रेडी करने के बाद, में थाली में भी नहीं आ रहा है इतना सामान है। तो अब हाँ जी, और ये भी सामान लेकर के आए हैं, कुछ सिक्के लेकर के आए, थाली में तो जगह ही नहीं है दूध रखने की भी, अब क्या करें। अच्छा, एक कुल्लो, दो दो कुल्लो हाथ में ले लो, दोनों कुल्लो ऐसे नहीं पकड़ते, ऐसे पकड़ते हैं जैसे आप दूसरे पकड़ रहे हो। ठीक है ठीक है, चलो। हाँ बेटा, वानी को दे रही हूँ। वानी के लिए क्या लाया आप? अच्छा बेटा, इतने पैसे वेस्ट नहीं करते, और है ना अब दिवाली खत्म हो गई है, ठीक है। और पोल्यूशन भी होता है बहुत ज्यादा, पोल्यूशन जिससे आपको खांसी, एलर्जी होती है, नजला होता है, जुकाम होता है, सारा का सारा पोल्यूशन इस धुएं से ही फैलता है, ठीक है। आगे से अपना ध्यान रखोगे क्या? पटाखे तो नहीं ज्यादा पटकाओ, मैम को बताऊंगी, मैम को बताऊंगी अब जब आप मेरा आई एम यस मैम का नाम लेते हैं। यस, आज जो है वाणी का तैयार हो गया फिर से पूजा करने के लिए। कल भी हम पूजा करने गए थे तो कल आपको नहीं दिखा पाए, आज फिर पूजा करने जा रहे हैं, बड़े वाले पूजा करके आएंगे आज। तो रात भी मैंने पूजा की थी और वाणी का, ओए वाणी का ने भाई, भाई के बंदूक मार दी। ये वाणी का बहुत एक्टिंग कर रही है, बहुत छुलबुली हो गई है ये कभी बंदूक मारती है कभी कुछ करती है। तो सारा सामान तैयार होने के बाद में हम चल दिए पूजा करने के लिए और सभी परिवार वाले साथ में एक साथ, बस कन्नू और पिताजी जो आगे पहले पहले जा चुके हैं हमारे से, और वानिका सबको लेके जा रही है। वानिका चलो, रास्ता देखा आपने, देता होगा। हाँ आ जाओ, चलो 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 आ जाओ। हाँ चल रही है चल रही है। हाँ पापा भी आ रहे हैं भाई, पापा को नहीं जाएंगे। मेरे पास आई है और कन्नू जो है हमारे से पहले ही ना खेल रहा है, पहले से पहले ही। चलो भाई, सभी लोग इकट्ठे हो गए हैं यहाँ पे आके, अभी से भी हमारे साथ ही आ गई है। आज सारा परिवार इस मौके पर इकट्ठा हो गया है और ये है अवनी की, अवनी की मम्मी, सारा उनकी पूरी फैमिली है। बहादराबाद से भी जो मेहमान आने थे वे भी आ गए, हम कुछ मंसूरपुर से आ गए हैं, तो सारे के सारे बहुत खुश हैं। हम काफ़ी दिनों बाद मिले हैं सारे के सारे, तो हम बात भी कर रहे थे और सारी की सारी लेडीज़ जो है पीछे खड़ी हो जाती है आज के दिन, क्योंकि हमेशा लेडीज़ ही पूजा करती है और आज के दिन यहाँ पर जेंट्स पूजा कर रहे हैं। सभी बहुत ही इकट्ठे हो गए हैं, निजामपुर इधर बहुत सारे मेहमान आते हैं और अपने अपने देवता पूज करके जाते हैं। इनका परिवार जो है ना बहुत ही बड़ा है, इतना बड़ा परिवार और इतने सारे देवता मैंने है ना यहाँ पे देखे हैं। हमारे घर पे तो बस चार देवता है और सभी उनकी पूजा करके और अपने अपने घर चले जाते हैं, कोई रुड़के चले जाता है, कोई दिल्ली चले जाता है, कहीं कहीं पे चले जाते हैं जो जहाँ से आए हुए हैं। तो बस हम पूरे विधि विधान से पूजा कर रहे हैं और कन्नू को बार बार पकड़ के ला रहे थे, बेटा आ जाओ पूजा कर लो, हाथ डाल लो, आ जाओ आज तो बाबा जी के पैर छू लो, आज तो सबको देखने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे अमावस्या पूजन हमारा सबसे बाद में काले सिंह की पूजा कर रहे हैं, फिर पीपल है यहाँ पे, पीपल में भी थोड़ा सा प्रसाद डाल देते हैं, उनके नीचे कीड़ी मकोड़े रहते हैं ना तो वहाँ से आराम से खा लेते हैं वे। तो सब ने बहुत ही अच्छे तरीके से पूजन किया है और इनके इसको यूवी को, यूवी की माँ जी समझा रही थी, बेटा ऐसे नहीं ऐसे पूजा करते हैं, बहुत ही अच्छा लगा, सब ने पूरे मन से पूजा की। और सबसे लास्ट में हमारे यहाँ पे दो गढ़ जो रखी जाती है देवताओं के सामने, उन दो गढ़ से सारी देवताओं का जो है वो किया जाता है, नहलाया जाता है और नहलाने के बाद में इस तरीके से जल अर्पित किया जाता है, लास्ट में भी फेरा जाता है जल।
तो चल दिए हैं हम पूजा करके और बस अब जाना है घर, और पूजा पाठ हो गई अच्छे से। घर पे आई है वाणी का, माटो माटो चल के आगे आगे अपने आप आ गई है वाणी का। है वाणी का, हम कैसे पूजा करके आए, हाथ जोड़ के कैसे आए वहाँ पे? नुन्नु हाथ जोड़ के आई है, कैसे हाथ जोड़ के आई है एक बार बता दो मुझे, बता दो कैसे हाथ जोड़ के आई है और कैसे कर रही थी वाणी का? ओम ऐसे कर रही थी, क्या कर रही थी? राम राम जी राम। बंद कर दो मोटर, ठंड। आ गए हैं पूजा करके, पहले ही और सस्ता ले लगे क्योंकि थोड़े से ना थक जाते हैं लंबा सफ़र करके। ऐसा है क्या? नहीं, कहीं चक्कर लगा ले पिताजी ने सुबह। जो माँ है वो थक गई है, माँ सबसे पीछे पीछे आ रही है धीरे धीरे। उनके लिए बाइक भेजी थी लाने के लिए, पर बाइक से मैंने कर दिया कि नहीं पैदल पैदल ले जाऊँगी मैं, क्योंकि थकान हो गई है बहुत ज़्यादा और रास्ते में बैठ गई थी माँ, तो कह रही मैं थोड़ी देर में सस्ता के आऊँगी। माँ पे जो है थोड़ा सा चलना नहीं जाता है, चलते भी उनके दर्द हो जाता है पैरों में, तो अभी काफ़ी दूर है, अभी धीरे धीरे आएगी इसे। क्या कह रहे हो? वानिका रोती नहीं? वानिका रोती नहीं माँ, बहुत छोटे छोटे बच्चे रोने लगते हैं भीड़ को देख के। वानिका नहीं रोती, वानिका चुपचाप रहती है। ए ए, और वानिका माँ को कहाँ छोड़ी आई? माँ को जो माँ को लेके आओ, माँ आएगी पीछे, जल्दी आओ माँ को लेके आओ, यहाँ नहीं है माँ, यहाँ पे इधर है। हाँ मेरे साथ तो माँ ने बाइक पाने से मना कर दी, कह दी कि मैं नहीं आ रही, मैं तो पता लाऊँगी, तो तुम पकड़ के लेके आओ, जाओ बाहर है माँ, तो वानिका को माँ मिल जाएगी। अच्छा कह रही वानिका आप भी आ जाओ। मैं आ जाऊँ? पापा भी आ जाए, माँ को लेकर आ रहे, चलो एक बार आवाज़ तो लगा, मम्मी को बोल रही आ गई माँ। पकड़ो उंगली, पकड़ ले माँ की उंगली, पकड़ ले, आ जा, बस इतने से कह दिया आ जा। कह रही माँ नहीं आई, माँ को लेने जा रहे। पैसे हाँ दे दे, सब दे दे। अच्छा, आजा, आजा। आ जाओ ताऊ जी, अभी आ रहे थोड़ी देर में, ताऊ जी और पूजा करने जा रहे कहीं और, ताऊ जी देने जा रहे है ना पूजा का सामान। ठीक है तो चलो भाई, सबसे लास्ट में अब आई है दादी पोती। अभी कपड़े धोकर के रिमटी थी और अभी मेरी भाभी और भैया आ गए हैं। बकर वो धड़का देंगे, डिब्बा धड़का हो रहा है, और बकर मेरी बुशेट पे भी और इसकी साड़ी में भी, फिर से कपड़े आ गए मेरे, और यहाँ पर जोड़ी आ गई है दोनों बहनों की। ये देखो लाड करी वाणी का, लाड करी इसका, लाड कर ले बाबू का। ओए होए 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 होए, वाणी का डर की लगा दिया है। अभी ये करेंगे नाश्ता। हाँ ये बहुत अच्छा लगा है खाने में, बहुत टेस्टी है ये पिट्ठा। अरे अच्छी लग रही है तो कपड़े, इसका बहुत ही सुंदर लग रही है इसमें तो। ओए चाय एक्टिंग, ये भी पूरी एक्टिंग करनी सी जानना है। वानिका ना यहाँ बैठे बैठे डिमांड करती मम्मा से अपने सैंडल मंगवाने की, कि मम्मा पैरों में पहनने का सैंडल लेकर आएगा, ये वाला सैंडल आएगा। अच्छा मैं भी पूछ लेता हूँ भाई वानिका, कहाँ पहनने का सैंडल पहनेगी? ये वाले ऑनलाइन लेगी, ऑर्डर हो गया, और पापा से मंगवाने की नहीं मम्मा से मंगवाएगी? ऐसा क्यों भाई? अब तक तो पापा अच्छे थे, अच्छे कौन है? ऑर्डर कर दिया ना, मम्मा लाएंगे, अच्छे कौन है? अच्छे भी यही है। अच्छा मैं हूँ, नाम बता किस कौन अच्छे है, अच्छे तो कौन है? पापा अच्छे मम्मा अच्छे बताओ। अच्छा